आरक्षण विधेयकों को लेकर मचे घमासान के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, राज्यपाल अनुसुईया उइके भाजपा के दबाव में आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं कर रही हैं। भाजपा के लोग संविधान बदलना चाहते हैं, कमजोर वर्ग को आरक्षण नहीं देना चाहते। ये भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हिडन एजेंडा है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर राजस्थान से लौटे प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने सोमवार को कहा, महामहिम राज्यपाल ने ही सरकार को चिट्ठी लिखकर सत्र बुलाने कहा था। उनकी मंशा के अनुरूप सरकार ने तत्परता दिखाई और विधेयक पास करवाया। मेरा मानना है कि अब राज्यपाल को प्रदेश के हित को ध्यान में रखकर उस पर हस्ताक्षर कर देना चाहिए। मोहन मरकाम ने कहा कि भाजपा के दबाव में राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर रही हैं। भाजपा के विधायक आरक्षण विधेयक को विधानसभा में ही रोकना चाह रहे थे, लेकिन बाद में सर्वसम्मति जरूर बनी, लेकिन उनका जो हिडन एजेंडा है कि वो संविधान बदलना चाहते हैं, आरक्षण देना नहीं चाहते, आर्थिक सामाजिक रूप से कमजोर लोगों को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते, ये उनका हिडन एजेंडा है। इसी हिडन एजेंडा के दबाव में महामहिम राज्यपाल विधेयकों पर हस्ताक्षर नहीं कर रही हैं। छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए सीजी स्वराज।